गीतों की धुन भर के उड़ाने आसमानों में पेंगोट खरा सोना सौ दशमलव एक मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल और अब आप सुनेंगे रात की हम सफर शिव चतुर्वेदी के साथ। रात्रि की इस नीरवता में स्वीकार कीजिए शिव चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप बताइए ना।
पहचाना आपने इस गीतकार को? ये और कोई नहीं, ये है आर के डुग्गल। क्या कहा, नहीं पहचाना? चलिए तो हम बताए देते हैं, ये है राजेंद्र कृष्ण, जाने माने गीतकार जिन्होंने एक से एक बढ़कर हमको गीत दिए हमारे हिंदी सिनेमा को। शुरू करते हैं बचपन से। पैदाइश हुई जलालाबाद, जो कि अब पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के नजदीक, और कोई 14-15 साल तक वहीं पे उनकी परवरिश हुई। 15 साल के हुए तो आना पड़ा परिवार के साथ शिमला में। मेरे पिया, ओ मेरे पिया, तेरे रंग पिया है वहां से मैं हूं। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया तेरे रंग पिया है वहां से मैं हूं। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया दे का दौर था जब वो अपने परिवार के साथ शिमला में आए, मैट्रिकुलेशन यहीं से किया। जब वो कोई 15 साल के रहे होंगे उसी समय उन्होंने एक कहानी लिखी
जो कि उनके बड़े भाई जिनका के साहित्य की तरफ रुझान था बहुत पसंद आई। उनके एक अध्यापक थे, उनको भी ये कहानी बहुत पसंद आई। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना शिमला में ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी भी लग गई। लेकिन कहां कवि और कहानीकार का दिल, और कहां वही क्लर्क की घिसी पिटी जिंदगी, वही कागजों पे पेन चलाना। अंदर से बहुत बेचैनी थी, लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज को शिद्दत से चाहा जाए वो मिलकर ही रहती है। तो वहीं पर इनकी मुलाकात हुई एक धनाढ्य व्यक्ति से जिनका नाम था कमल राय, जिनको भी आर्ट के क्षेत्र में कुछ करने का शौक था। दोनों निकल पड़े बॉम्बे की ओर। देख हमें आवाज न देना, देख हमें आवाज देना, ओ बेदर्द जमाने, ओ बेदर्द जमाने। आज चले हम छोड़ के तुझको, दुनिया नई बसाने, ओ बेदर्द जमाने। शाम का, शाम का पहला तारा, शाम का, शाम का पहला तारा, रंग के
वाली रात सुनेगी तेरे मेरे तराने जमाने हमें देना ओ बेदर्द जमाने ओ बेदर्द जमाने प्यार में हो जाते हैं अपने दर्द पर आए प्यार में हो जाते हैं अपने दर्द पर आए तो साहब कमल राय जी ने वहां पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था शहंशाह। वो आज वाली शहंशाह नहीं, पुरानी वाली शहंशाह, और जिसमें हमारे राजेंद्र कृष्ण जी ने एक पंडित जी का रोल किया। फिल्म रिलीज हुई और पहले ही दिन जो सिनेमा हॉल था उसका हाल ये था कि दर्शकों ने सारी कुर्सियां तोड़ दी। फिल्म फ्लॉप हो गई बुरी तरीके से और राजेंद्र कृष्ण जी ने सोच लिया कि मैं दर्शकों के सामने कभी नहीं जाऊंगा, बेटर है कि गीत और कहानियां लिखी जाएं जिससे कम से कम दर्शक पहचानेंगे तो नहीं। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, अगर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, अगर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। देती है दिलासा मुझको मेरी आशा देती है दिलासा, आएंगी बाहर चली जाएगी पीजा। ओ आसमां ये नीला नीला करे है इशारे, गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, अगर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, अगर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे। दम है फिर काहे का गम है, बाजुओं में दम है फिर काहे का गम है, आहनी इरादे हैं उमंगे हैं जवां। वो मुश्किलें कहाँ है उन्हें मेरा दिल उतारे, गर्दिश में हो तारे ना
घबराना प्यारे, अगर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारी यारे, अगर किसमें हो थारे ना घबराना प्यारे, अगर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारी यारे, अगर किसमें हो थारे ना घबराना प्यारे। पहला गीत लिखा 1943 में फिल्म जनता के लिए। इसी बीच में प्रभात कंपनी के मालिक थे मिस्टर बाबूराम पई, उनकी निगाह इन पर पड़ी और मासिक वेतन पर इनको रख लिया गया। जब उन्होंने फिल्म डोली बनाई और वो हिट हो गई तो नौकरी भी पक्की कर दी गई। कमर जलालाबादी के साथ मिलकर इन्होंने कई गाने खुशलाल भगत राम जी के लिए लिखे, जैसे कि फिल्म बड़ी बहन और प्यार की जीत इत्यादि। और इसी समय में कुछ ऐसा हुआ कि गांधी जी की मृत्यु जब हुई तो खुशलाल भगत राम जी ने कंपोज किया गाना जो लिखा हमारे राजेंद्र कृष्ण जी ने, और गाने के बोल थे, सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, और उस गाने ने इनको रातों रात विख्यात कर दिया। बाबू राम पई जी इतने खुश हुए उन्होंने इनको तोहफे में ऑस्टिन कार भेंट कर दी। बाद में उन्होंने एक मूवी भी इसी नाम से बनाई, बापू की अमर कहानी। ये बात और है कि वो फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन वो वादे के पक्के थे, उन्होंने अपनी ऑस्टिन कार बिल्कुल वापस नहीं ली। Thank you.
Thank you.